पैसा कहता है भले ही मैं ऊपर तेरे साथ नहीं जाऊंगा पर जब तक तू नीचे है तुझे ऊपर लेके जाता रहूंगा जीवन में बड़ा ऊपर पहुंचाऊंगा नमस्कार मैं विवेक बिंद्रा फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम यदि तेरे पास पैसा है दोस्त पूछेंगे भाई तू कैसा है फंड रेजिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू अवॉइड द मार्केट ट्रैप स्टार्ट योर बिजनेस विद बूट्स बूटस्ट्रैप एक इंपॉर्टेंट शब्द है फंड रेजिंग का आज पावरफुल वीडियो दस तरीके बताऊंगा कैसे फंड रेज कर सकते हैं पहले से लेकर दसवें तक पूरा सुनिएगा वैसे मेरे पास पच्चीस तरीके हैं, पर इसमें छोटा करने के लिए टाइम से दस तरीके बताऊंगा बूटस्ट्रैप समझिए बूटस्ट्रैप मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या है अपना थोड़ा सा पैसा लगाओ उसी को बचाओ आगे लगाओ बचाओ आगे लगाओ बचाओ आगे लगाओ और दूसरा तरीका बाजार से पैसा उठाओ फ्लिपकार्ट ओयो ओला उबर जोमेटो स्विगी बहुत सब ने रेस किया पर इसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस बहुत कम लोग सर्वाइव किए बहुत ही कम लोग वहां पहुंचे हर आदमी नहीं पहुंच सकता है ओवर सक्सेस नहीं होती है रितेश अग्रवाल हमारे प्रोफेसर हो और उनके बोलते हैं इट टुक मी फाइव ईयर्स टू बिकम एन ओवर नाइट सक्सेस पांच साल लगे थे रातों रात सफल होने में <laughs> लियोनेल मेसी कहते हैं मुझे सत्रह साल की मेहनत लगी रातों रात सफल बनने में रातों रात सफलता नहीं मिलती है, ये इसके पीछे बहुत गई है। तो दस तरीके शुरू करते हैं कर लो, पहला है कि कस्टमर ही आपके पैसे आपको दे करके इन्वेस्ट करके आपके साथ काम करने को तैयार हो जाए तो गेम चेंज हो जाएगा वो कब होगा वो तब होगा जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ अलग कोई खास बात जो कोई बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करती है और अगर आपने वो कर दिया अगर आपने कस्टमर की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो कस्टमर किसी और से नहीं करा पा रहा वो एडवांस देने को तैयार हो जाएगा और वही एडवांस ही आपके लिए इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगी किसी और को अपनी कंपनी की हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ेगी दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था इज कॉल्ड सेल्फ फंड एंड पर्सनल सेविंग देखिए यू शुड पुट योर मनी वेयर योर माउथ माउथिज पैसा वहीं लगाओगे जहां पर वास्तव में आप खुद लगाने को तैयार हो वहीं दूसरा भी लगाएगा ऐसा नहीं कि आप अपना पैसा तो लगा नहीं रहे इन्वेस्टर आके लगा देगा इन्वेस्टर भी देखता है कि इसने खुद का पैसा लगाया कि नहीं लगाया खुद को अपने बिजनेस विश्वास है कि नहीं है ऐसा तो नहीं खुद का पैसा साइड में रख रखा है और दूसरों से इन्वेस्टमेंट लिए चला जा रहा है तो इन्वेस्टर भी देखता है तो ये, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो तो वैसे खुद का पैसा लगाने का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि आप पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो इन्वेस्टर को और डेडिकेटेड और हो जाता है क्योंकि खुद की पूंजी लगी है खुद की जिंदगी लगी पड़ी है इसके बीच में इसलिए आपका डेडिकेशन और बढ़ जाता है और देखिए एक बात बताएं बूट ट्रैप में डी मार्ट एम डी एच जोहो माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक ये सारे के सारे बड़ी कंपनीज ये सब अपनी खुद की पूंजी से शुरू हुए थे बाद में पैसा उठाया मार्केट में एनी हम तो पैसा उठाने की बात कर रहे हैं तो तीसरा पॉइंट पीयर टू पीयर लेंडिंग पीयर टू पीयर लेंडिंग या फ्रेंड्स एंड फैमिली ये तरीका आजकल बहुत फेमस हो गया है देखिए फ्रेंड्स एंड फैमिली का सबसे अच्छा फायदा कि आपको ना इंटरेस्ट देना पड़ता है ना कंपनी में शेयर देना पड़ता है तो सबसे अच्छा तरीका है आपको ज्यादा पैसा अगर लेना है और ज्यादा पैसा कोई दोस्त नहीं दे पा रहा तो पांच दोस्तों से थोड़ा थोड़ा पैसा ले लो फ्रेंड्स एंड फैमिली से उससे क्या होगा आपको ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना हिस्सेदारी देनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंटेशन का झंझट खत्म और तुरंत आपको पैसा मिल जाता है डिसएडवांटेज बस यह है कि अगर आपने हिस्सेदारी दे दी तो फिर कई बार आपकी कंपनी की असली कीमत आप नहीं लगा पाते भाई आपने किसी से दस लाख रुपए के बदले में पचास ही परसेंट दे दिया कंपनी का तो फिर समझो ना नुकसान हो गया ना या एक करोड़ रुपए के चलते एक करोड़ के बदले पचास परसेंट ही दे दिया नुकसान हो जाएगा ना इसलिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के फायदे भी है नुकसान भी है वैसे पीयर टू पेयर लैंडिंग कहीं प्लेटफॉर्म आ गए लैंडिंग कार्ट इसके बारे में रिसर्च करिएगा वो भी अच्छा है मैंने फंड रेजिंग पर पूरा कोर्स बनाया हुआ है पूरा डिटेल में वीडियो पे वीडियो पे वीडियो पे वीडियो, पे वीडियो पूरा कोर्स बना हुआ है पर आज का वीडियो भी बहुत काम का है जो कोर्स नहीं खरीद सकते वो इस वीडियो को ध्यान से देखें कोटक बैंक भी शुरू में पैसा रेज नहीं कर पाया फ्रेंड्स एंड फैमिली की मदद से उसने रेज किया आज जिस आदमी ने उनके परिवार में जिस आदमी ने एक लाख रुपये लगाया था ना कोटक बैंक में शुरुआत पर आज उसके पैसे सौ करोड़ रुपये बन चुके हैं एक लाख के सौ करोड़ एनीवेज चौथा तरीका क्राउड फंडिंग बड़े क्राउड को कैसे इन्वॉल्व किया जाए तरीका बहुत चल रहा है इसके बारे में मैंने कोर्स में तो डिटेल दिया पर यहाँ सुनिए जरा इसको बोलते हैं, दो दो रुपया कितना रुपया दो रुपया पांच लाख किसानों से दो दो रुपया लिया दस लाख रुपया हुआ और उन्होंने एक का नाम था मंथन क्राउड फंडिंग का देखो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है आप थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत लोगों से लेते हो तो आपको तंग भी नहीं करते

मिलाप ये सब क्या क्राउड फंडिंग साइट्स हैं अच्छी इंडिया में अब क्राउड फंडिंग शुरू होने लगा है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग ये इसके फायदा इसलिए हो रहा है बहुत पॉपुलर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको आ, सब लोगों को अपनी कंपनी में कंट्रोल नहीं देना पड़ता है और पैसा मिल जाता है क्राउड मिल करके भी पैसा देने को तैयार है बड़ा अच्छा तरीका है इसकी डिटेल जानिएगा आप फिलहाल इस वीडियो को देखिए दस तरीके बता रहा हूँ कि पांचवें पे आ चुका हूँ एंजल इन्वेस्टमेंट एंजल एंजल कौन होता है एंजल वो सुखद परी की तरह है जो आपके दुख में आकर के आपको थोड़ी सी मदद करके तुरंत चले जाता है एंजल आपको बिजनेस की शुरुआत में कैपिटल देता है ये डेट भी दे देता है कभी कभी ओनरशिप की इक्विटी दे, दे देता है देखिए डेट का मतलब क्या होगा डेट का का मतलब होगा करजा, और का मतलब होगा होगा कर्जा और इक्विटी हिस्सेदारी कर्जे का मतलब क्या हुआ मैंने आपको दिया सौ रुपया अब आप मुझको थोड़ा इंटरेस्ट और सौ रुपया धीरे धीरे वापस करते रहिए करते रहिए करते रहिए इक्विटी का मतलब क्या हुआ हिस्सेदारी यानी कि मैंने आपको दिया सौ रुपया अब मुझे वापस नहीं चाहिए लेकिन आपकी कंपनी में मुझे हिस्सेदारी चाहिए मैंने आपकी कंपनी में उदाहरण के रूप में पच्चीस परसेंट हिस्सेदारी ले ली अब मैं भी मालिक आप भी मालिक आप पचहत्तर परसेंट के मालिक मैं पच्चीस परसेंट का मालिक ये फ़र्क है डेट और इक्विटी पे इन सब पे वीडियो बनाने की मेरी बहुत अच्छा है हर चीज़ पे बनाऊंगा वीडियो डिटेल में यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आने का मतलब है बिजनेस बड़ा ही होगा आपका पूरी दुनिया को पता है बात के हिंदी भाषा के अंदर वर्नाक्युलर अगर बिजनेस सीखना है तो विवेक बिंद्रा के चैनल पर आइए इसमें एंजल इन्वेस्टमेंट में सीड कैपिटल मिल जाता है आपको अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है आपके पास रेवेन्यू नहीं है आने वाला है केवल आइडिया है थोड़ा बहुत शुरू किया है तो एंजल इन्वेस्टमेंट मिल जाता है ये आपको इवेंट्स में मिल जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं कम्युनिटी होती है एंजल इन्वेस्टर्स की जैसे स्टार्टअप ग्राइंड है इंडियन एंजल नेटवर्क है वेंचर कैटलिस्ट है चेन्नई एंजल्स है लीड एंजल नेटवर्क है मुंबई एंजल नेटवर्क है बहुत सारे एंजल्स हैं वहां सब मिल जाते हैं आपको क्या करेंगे आपको दस लाख रुपए चाहिए आपको दस लाख रुपए दे देंगे कंपनी में आपकी दस परसेंट हिस्सेदारी ले लेंगे तो आपको तुरंत इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है कई फोकस्ड ग्रुप्स और फील्ड्स होते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स भी एंजल बन जाते हैं फंड रेजिंग एडवाइजर्स होते हैं वो खुद भी एंजल बन जाते हैं कई पैसे वाले इंडिविजुअल होते हैं वेल्दी इंडिविजुअल वो भी एंजल की तरह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट ऑर्फन नन तो सख्त जब आप सफल हो जाते हैं ना तो बहुत लोग आ जाते हैं आपकी मदद करने के लिए इसीलिए कोई एंजन से इन्वेस्टमेंट मिल जाए थोड़ी हिस्सेदारी देनी पड़े कोई दिक्कत नहीं है एटलीस्ट आपका तुरंत आउटफ्लो नहीं होगा अगले महीने से आपको कोई ईएमआई नहीं पे करना है क्योंकि आपने हिस्सेदारी दिया है तो ईएमआई तो जाएगी नहीं जब वो कंपनी आपकी बिकेगी या कंपनी में कोई और हिस्सेदारी लेने आएगा तब उसको पैसा मिलेगा बहुत अच्छे तरीके हैं फंड रेजिंग पर हमारी एक्सपर्टीज़ है आप आइएगा बोर्ड लाइन नंबर पर फ़ोन करके चेक करिएगा डिटेल में के पास जाने से पहले किन चीजों की तैयारी करनी पड़ती है आपको कैसे रिसर्च करनी है प्रेजेंटेशन तैयार करनी है कैसे फ्रेंड रेजिंग और समझना है, कैसे और को समझना है? जिम fitness, जब आपको फंड रेज करना है सब चीजें सीखना है तो लाइन नंबर फोन करके समझ लीजिएगा बहरहाल छठा पॉइंट एक्सलरेटर और इंक्यूबेटर ये बहुत काम का है अगर आपके पास बिजनेस का आइडिया है बढ़िया आइडिया है आपको समझ में आ गया आप शुरू कर सकते हो पर पैसे नहीं है एक्सलरेटर क्या करते हैं इनके पास ऑफिस रहते हैं ये आपको अपने ऑफिस में जगह दे देते हैं ये आपको मेंटरशिप भी दे देते हैं आपको एडवाइस भी करते हैं आपको थोड़ा पैसा भी दे, 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 दे देंगे दस बीस पचास लाख रुपया किसी किसी केस में खाली पांच लाख रुपया दस लाख से पचास लाख से एक करोड़ तक भी दे देते हैं और ये एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर आपको डिजिटल मार्केटिंग की टीम होती है उनका सपोर्ट दे देते हैं टेक्नोलॉजी की टीम होती है आपकी वेबसाइट बनवा देते हैं के पास टेक टीम होती है आपकी ऐप आप भी बनवा देते हैं या आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बदले में आपकी कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं और आपको मेंटर कर करके बड़ा कर देते हैं बहुत सी एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर है इनकी सहायता से वाई कॉम्बिनेटर एक ये ग्लोबली दुनिया के सबसे अच्छे एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर में से है दुनिया का सबसे बड़ा ये वाई कॉम्बिनेटर ने ही ए आर को पैदा किया था ए आर वहीं से निकल के आया था सो ऐसे ही आप भी जा सकते हैं इनको उनको, उनको जाकर प्रेजेंटेशन दीजिए उनको अपना आइडिया समझाइए वो आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं ऑफिस का स्पेस दे सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी सब कुछ हेल्प कर देते हैं आपको बट लेकिन उनको आपकी हिस्सेदारी चाहिए क्योंकि वो आपको बड़ा करेंगे तो वो चाहते हैं कि उसमें कुछ कमाई उनकी भी हो जाए और तो मदद आपकी बहुत करते हैं सातवां तरीका वेंडर फाइनेंस या परचेज ऑर्डर फाइनेंस ये भी एक तरीका है पैसा कमाने का एक्चुअली इसमें तीन चार पांच तरीके होते हैं मैं जरा आसान वाले तो आपको यही बता देता हूँ एक तरीका है जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ट्रेड क्रेडिट होता है ऐसे समझते हैं आसानी से कि मुझे नया बिजनेस शुरू करना है पैसे की जरूरत है पैसे मेरे पास है नहीं अब मैं किसी से कोई बड़ी मशीन लेना चाहता हूं बड़ा इक्विपमेंट लेना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा भाई तुम मशीन मुझको दे दो कितने की है वो बोलेगा एक करोड़ रुपए की है अच्छा मेरे पास तो एक करोड़ रुपए है नहीं तो ऐसा करो मेरी कंपनी की वैल्यू है पांच करोड़ रुपया तुम मुझे एक करोड़ की मशीन दे दो यानी कि ये पांच करोड़ का हो गया बीस परसेंट में अपनी कंपनी की बीस परसेंट हिस्सेदारी तुमको दे दूंगा इससे क्या होगा बीस परसेंट की हिस्सेदारी तुम्हारी हो गई तुम्हें कंपनी में हिस्सेदारी मिल गई मुझे पैसा नहीं देना पड़ा मुझे एक करोड़ रुपए की मशीन मिल गई जैसे ही मशीन मिलेगी मैं कमाऊंगा तो मेरी कंपनी जो पांच करोड़ की है वो पचास करोड़ की हो जाएगी तो तुम्हारे जो एक करोड़ है जब पांच के पचास होंगे तो तुम्हारे भी तो एक के दस हो जाएंगे तो इस तरह से आप क्या किया आपने बाटर कर लिया

कि ये भाई है कौन है ये ये गुप्ता जी हैं इनको कोर्स खरीदना है आपने हमें फोन किया तो बैंक ने बोला ठीक है तो भैया आप इसको गुप्ता जी को छत्तीस हजार रुपया दो साल का फीस है इसका पैसा दे दो तो आपने कह दिया ठीक है मैं गुप्ता जी को दे देता हूं लेकिन ये अब बैंक आपको नहीं देगा बैंक छत्तीस हजार रुपये मुझको दे देगा आपके पास छत्तीस हजार रुपये नहीं थे अभी लेकिन आपको कोर्स मिल गया अब आप बैंक को धीरे धीरे पैसे देते रहोगे आप आराम से दो साल में या एक साल में ई करके चुका दोगे मेरा फायदा क्या हुआ मुझको छत्तीस हजार रुपए आज ही मिल गए बैंक का फायदा क्या हुआ छत्तीस हजार पे जो इंटरेस्ट लगना था वो बैंक को मैंने दे दिया इसका भैया गुप्ता जी के पास पैसे नहीं इनका इंटरेस्ट मैं दे दूंगा आपको फायदा क्या हुआ आपको कोर्स अभी मिल गया लेकिन आपने छत्तीस हजार तुरंत नहीं देने पड़े आप ई के रूप में आराम आराम से बैंक को लेते रहोगे तो आप भी फायदे में बैंक भी फायदे में हम भी फायदे में इसको बोलते हैं कस्टमर एनेबलमेंट प्रोसेस मेरे लिए क्या हो गया मुझे फंड रेज नहीं करना पड़ा मुझे बहुत सारे कस्टमर थे जिनके पास पैसे नहीं थे तो आपको ई में कोर्स दिला दिया मुझे बैंक से लेकिन पैसा तुरंत मिल गया ऐसा नहीं है कि मुझे उधार में बेचना पड़ रहा है मेरे को भी पैसा मिल गया तो मैं भी फायदे में हूँ बैंक भी फायदे में वो कमाएगा वो मुझसे इंटरेस्ट ले लेगा इसके वेज में आप फायदे हो आपको इंटरेस्ट फ्री ई एम पूरा स्कीम मिल गया आपको कोर्स भी मिल गया सबको सबको फायदा हो गया अब मुझे फंड रेज नहीं करना पड़ रहा मुझे बाजार से कर्जा नहीं लेना पड़ रहा क्योंकि मुझे एन से तुरंत पैसा मिल जाता है जैसे गाड़ी को ऊपर करने के लिए लगाना पड़ता है जैक ऐसे ही हमारे कोर्स आपको करा देते हैं बिजनेस में बाउंस बैक इसी तरह आठवां तरीका, बिल बिल तरीका है कि भाई मैंने किसी को ऑर्डर तो मिल गया है लेकिन पैसे नहीं है बनाने के लिए अब देखो इसके अगेंस्ट मुझे कुछ पैसे दे दो तो बैंक इसके लिए अगेंस्ट पैसा दे देता है इसको समझना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा बिल डिस्काउंटिंग भी है इसी तरह और भी कई मॉडल होते हैं ये सारे प्रोसेस हम आपको सिखाते हैं थोड़ा कोर्स वोर्स में आपको आना पड़ेगा अगर आप सीरियस हैं इसको लेकर के तो फायदा क्या है कस्टमर को ईजी पेमेंट हो जाता है बिजनेसमैन का माल बिक जाता है और फाइनेंसर को कमाई का तरीका मिल जाता है ना तो आपको अपनी हिस्सेदारी बेचनी है ना कर्जा लेना है आसान है नौवा तरीका होता है वेंचर कैपिटल और वेंचर डेट ये वेंचर कैपिटल वेंचर डेट क्या होता है अब आप थोड़े बड़े हो गए हो अब आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है अब आपको पांच दस पंद्रह बीस करोड़ रुपया चाहिए या 25-50 करोड़ रुपए चाहिए तो वेंचर कैपिटल आ जाता है इसमें जब आपको छोटा चाहिए था 10-20 पचास पच्चीस लाख चाहिए तो एंजल इन्वेस्टर था जब आपको एक दो पांच दस बीस पचास सौ करोड़ चाहिए तो वेंचर कैपिटल आता है पचास सौ से ज्यादा चाहिए तो प्राइवेट इक्विटी आ जाता है और उससे भी ज्यादा चाहिए तो फिर आईपीओ आता है वैसे आजकल छोटे आईपीओ भी आ गए है। हैं ये सारी स्टेजेस होती है अलग अलग तो ये वेंचर कैपिटल कौन होता है ये आपकी कंपनी में हिस्सेदारी लेता है और मेक श्योर करता है कि आप और बड़े हो जाओ ताकि उसके हिस्सेदारी की कीमत भी बड़ी हो जाए अगर एक वेंचर कैपिटल आता है ये एंजल फंड की तरह होता है और आपको दस करोड़ रुपया दे के आपसे दस परसेंट की हिस्सेदारी ले लेगा तो ये कोशिश करेगा कि जिसने जो दस करोड़ दिए और जो दस परसेंट हिस्सेदारी ली है वो दस करोड़ कम से कम पचास करोड़ के हो जाए तो वो आपको बहुत मदद करता है इस विषय में ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं बहुत सारे वेंचर फॉर्म्स हैं जो हमने कोर्स बनाया उसमें हमने 400 की लिस्ट दी है आपको एस एल ग्रुप है नेक्सस है सिकोया है कलारी कैपिटल है क्रेस्ट कैपिटल वेंचर है मेट्रेक्स पार्टनर्स है थ्री वन फोर कैपिटल है नेस्पर्स है बहुत सारे हैं आपके एस्टैब्लिश बिजनेस मॉडल को समझते हैं और तुरंत पैसा देने को तैयार हो जाते हैं इनको कोई गारंटी नहीं चाहिए इनको कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए कर्ज इसके अगेंस्ट और ये भी नहीं कहते कि तुरंत ई दो ये आपको पैसा देने को तैयार नहीं क्योंकि इनको विश्वास है कि आपके पास दम है आप कर लोग इस काम को तो अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है पूरा का पूरा फंड रेजिंग पे ये हमारे ज्ञान का भंडार तभी खुलते हैं लोगों के सफलता के द्वार। और दसवां अच्छा तरीका क्या आईपीओ आईपीओ के लिए तो हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ उनको अपने साथ प्रोफेसर ही बना लिया है आप एवरीथिंग अबाउट ऑन्टरप्रीनरशिप में आते हैं आशीष चौहान जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं वो आपको डिटेल में सिखाते हैं कि अगर आप केवल पांच करोड़ दस करोड़ का, का काम कर रहे हैं तो भी आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आईपीओ ला सकते हैं एक करोड़ का, का काम कर रहे हैं तो भी ला सकते हैं बशर्ते आपकी कंपनी दो साल पुरानी और प्राइवेट लिमिटेड हो कैसे करना है डी मार्ट देखिए दो में तो आया था आईपीओ आज एक लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी हो गई पांच गुना ग्रो कर गई ये कंपनी पिछले चार साल में बल्कि 2017 से 2020 तो तीन ही साल हुए लगातार ग्रो करी देखिए बेनिफिट क्या है आपको पास में लॉन्ग टर्म पैसा मिल जाता है और आपसे कोई ईएमआई या कोई अगले महीने से इंटरेस्ट या अगले महीने से कोई आउटफ्लो का झंझट ही नहीं और आपको बाजार से पैसा भी मिल जाता सारा मुश्किल नहीं है पैसा जुटाना हमारे चैनल पे आइए अगर आप कोर्स कभी नहीं खरीदना चाहते हैं तो भी फ्री में मेरे वीडियो देखते रहिए मैं फ्री में हमेशा डालता रहूंगा लेकिन अगर आप एक सीरियस बिजनेसमैन हैं आप सीरियसली ग्रो करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा तरीका है आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर फ़ोन करिए पता लगाइए बहुत सी कंपनीज़ आज रिलायंस अपने आप रिलायंस नहीं बनी इन्फोसिस डी मार्ट विप्रो टाटा मोटर्स एच डी एफ सी लिमिटेड टी सी एस ये सब अपने आप नहीं बने ये सब छोटे के टाइम पर ही आई पी ओ ले आए थे और आज बहुत आगे निकल गए हैं इसके अलावा मैं कई एंसिलरी तरीके भी सिखाता हूं आपको देखिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ये मीडिया सरकारी तरीका है गवर्नमेंट फंडिंग इनिशियव है मुद्रा स्कीम है है सिडबी माइक्रो फाइनेंस है सेवा सहकारी बैंक है डॉक्टर जयश्री व्यास हमारी प्रोफेसर है वो आके सिखाती है कि फंड रेस कैसे करें उनका तो अपना सेवा सहकारी बैंक भी है अगर आपकी रेडी ठेला लगता है और आपको उसके लिए केवल दस हजार रुपये का कर्जा चाहिए पच्चीस पचास हजार रुपए का कर्जा चाहिए तो आपको दे देंगे वो और आपकी कोई प्रॉपर्टी भी उसके अगेंस्ट नहीं रखेंगे उससे क्या होगा आप रोज का हजार दो हजार रुपये कमा सकेंगे और हजार दो हजार रुपए रोज का कमाएंगे तो सिंपल तरीका होगा आप चालीस पचास हजार रुपये साठ हजार रुपए महीने का कमा लेंगे तो छोटे व्यापारी के लिए बहुत जरूरी ये कि छोटा बिल्कुल ठेला लगा के वो पचास हजार रुपये महीना कमा जाए तो ऐसे कई सारे माइक्रो फाइनेंस की भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं हमारे जो हमने कोर्स बनाया उसमें फंड रेजिंग के बेसिक स्टेप, उसके स्टेप्स उसके प्रोसेस बूथ स्ट्रैप बजट कैसे बनाना है बजट शीट क्या होती है फंड मिलता है कहा, कहां कहां से है इन्वेस्टर के पास जाओगे कैसे इन्वेस्टर से बात कैसे करोगे इन्वेस्टर जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा कि भाई मुझे इतनी हिस्सेदारी दे दो, मैं तुम्हें इतना पैसे दे दूंगा तो वो टर्म शीट बनाता है वो क्या होती है या फिर आपको एंजल इन्वेस्टमेंट क्या है स्टार्टअप वैल्यूएशन क्या है कितनी वैल्यू पे करना चाहिए मान लो आपके पास आइडिया है तो आपको उसके अगेंस्ट कितने पैसे मिल सकते हैं ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं आईपीओ तक पहुंचना चाहते हैं मदद कौन करेगा इन्वेस्टमेंट बैंकर आपकी मदद करता है इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन होता है याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है बीच का दलाल कठोर भाषा में दलाल का मतलब क्या हुआ कि भाई उसके पास पैसा है आपको पैसा चाहिए इन दोनों के बीच में एक दलाल होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर अब मुझको पैसा चाहिए इससे चाहिए तो इन्वेस्टमेंट बैंकर हमारे को मदद करता है कि हम दोनों की डील ठीक से सेट हो जाए और डील सेट हो गई और हमारी डील हो गई एक करोड़ रुपए की तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बीच में तीन परसेंट यानी कि तीन लाख रुपए ले लेगा ले आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई एक करोड़ रुपए आए तो उसमें सत्तानवे लाख आपने रखे तीन लाख इसको दे दिया आपको क्या प्रॉब्लम है तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर से कैसे मिलें कैसे उसके साथ रिलेशन बनाएं इंप्लीमेंटेबल ट्रिक क्या होती है थ्योरी क्या है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है चार सौ तरह के इन्वेस्टर के लिस्ट क्या है उनके फोन नंबर क्या है उनकी ई मेल क्या है उनके साथ टर्म शीट्स क्या है फंड रेजिंग में कभी नहीं रहेगा कोई व्यवधान हर समस्या का मिल जाएगा समाधान आपको क्या करना है एक बात पर देना ध्यान तुरंत लाइन नंबर पर फ़ोन लगाइए और बात करिए उनसे पूछिए कि भाई मैं जानना चाहता हूँ मैं कैसे आगे बढ़ूँ मेरे पास आइडिया अच्छा है मुझे बिज़नेस में ग्रो करना है फ़ंड रेजिंग करना चाहते हैं तो फंड रेजिंग का कोर्स भी है एवरीथिंग अबाउट ऑन्टरप्रन्यरशिप इस वीडियो को उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा भैया जिसको ज़रूरत है जिसके पास आइडिया है जो नौकरी छोड़ने वाला है जो सोच रहा है शुरू करूंगा जिसके पास दिमाग में कीड़ा चल चुका है कि भैया मुझको भी मोटू करबू छे जीवन में मोटू जिसको बड़ा करना है जिंदगी में शेयर करो इस चुटकुले फालतू चीजें व्हाट्सएप इधर उधर शेयर करते हैं काम की चीजें शेयर करिए अगर चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कहीं ऐसे वीडियो मिस से हो गए तो क्या करेंगे फिर लाइफ में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर वन उन ऑन्ट्रप्रनरशिप यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद